हेलो एंड वेलकम टू ब्रेन चाओ रिएक्शंस। आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं सी व्यू क्लिफ्टन 4K अल्ट्रा HD कराची स्ट्रीट व्यू। एक्चुअली ये ईद के टाइम में शूट किया गया वीडियो आई थिंक एंड ड्रोन वीडियो है। ये चैनल का नाम है कराची स्ट्रीट व्यू, ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। सो मेक श्योर टू सपोर्ट या सब्सक्राइब टू कराची स्ट्रीट व्यू फॉर मोर सच वीडियोस। तो अभी चेक करना चाहिए। yes. बहुत सारे लोग ने रिक्वेस्ट किया, ईमेल्स तक आया है कि इस पर रिएक्ट करो। ईद के टाइम स्पेशल लगेगा, लेट्स सी। आई थिंक सी फेस होगा, सी व्यू लिखा है तो हाँ, लेट्स सी। वेल स्टार्ट हुआ। वाओ, इतने सारे लोग। और एक वियर्ड सा चीज़ बोलूँगा, मुझे स्काई स्क्रेपर्स बहुत पसंद है, तो मुझे ये व्यू बहुत पसंद आ रहा है ऑलरेडी। तो पीछे जो है वो बारिया सिग्नेचर टावर कुछ ऐसा नाम है, हुआ है क्या इसे कोई आइडिया नहीं रहेगा। मुझे इतना पसंद है टॉल बिल्डिंग्स। ए बीच बहुत क्लीन भी है। यस। कैमल्स बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेटेड रहते हैं यहाँ पर। ईद के दिन ज्यादा गर्दी होती है या फिर नॉर्मली इतना गर्दी होता है? नो आइडिया। मैं ऑडियंस से पूछ रहा था वैसे। फुली पैक्ड है बीच। बच्चे हर जगह एंजॉय करते हैं ना। मुंबई के बीच में गए थे तो हमने नोटिस किया था कि बच्चे उधर भी एक्सट्रीमली सिमिलर वे में प्ले कर रहे थे, उड़ी मार रहे थे, पानी में जा रहे थे। कम ऑन, यू हैव टू एग्री कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है वो पीछे बैकग्राउंड में स्काई स्क्रेपर, इधर बीच पे व्यूज। मुझे कभी भी स्काई स्क्रेपर से अच्छे नहीं लगे। कम ऑन, कितना मॉडर्न सिटी का वाइब देता। मॉडर्न सिटीज पसंद भी नहीं है। मतलब एक एंगल से दुबई जैसा भी लग सकता है। मतलब किसी को अगर पता ना हो और गेस करना हो तो कराची को देख के एक एक एंगल से तो बोल ही सकता है कि दुबई हो सकता है। आई एम इम्प्रेस्ड कि इतना क्लीन मेंटेन कर पाए इतने लोगों के बावजूद। दैट इज ट्रू। मुझे इतना डर लग रहा है कि वो ड्रोन ऐसा पानी के ऊपर से घूम रहा है, मतलब जो भी उसको चला रहे होंगे, इट इज सो रिस्की। मतलब डर लगता है, अगर गिर गया तो गया, बहुत सारे पैसे। यस। और क्वालिटी ऑफ वीडियो से साफ पता चलता है कि अच्छा ड्रोन है। क्या मैं एक और बार बोल सकता हूँ कि स्काईस्क्रेपर सबसे देखो? अलग अलग बीचेस है क्या कराची में? नहीं, सेम है। नहीं, मतलब क्लिफ्टन ठीक है। ये वीडियो का पूरा जो मेन टॉपिक क्लिफ्टन बीच के ऊपर ही है, लेकिन कराची में और भी ये है क्या, बीचेस है क्या? मैंने उतना जनरल नॉलेज अभी तक नहीं बढ़ाया, बट आप लोगों को मैं ज़रूर बता सकते हो कमेंट्स में। वी गो थ्रू योर कमेंट्स, सो डेफिनेटली टेल अस। एंड हमें बताओ कि आप लोगों ने ईद पे क्या किया। हमने भी सेलिब्रेट किया इस बार। वी हैड अमेजिंग फूड, वी हैड लॉट्स ऑफ फन। तो यू ऑल्सो टेल अस कि हाउ वॉज योर ईद, क्या क्या किया आपने, क्या क्या खाया। ईद स्पेशल खाना ईद के दिन, वाओ, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। बाबा कितने सारे लोग हैं, मतलब बाहर भी बीच पे तो थे ही, बट इधर भी। वाओ, बीच फैसिलिटीज बहुत ही वेल डेवलप्ड लग रहा है। हम्म,
रोड्स भी बहुत इम्प्रेसिव एक्चुअली. ये रोड्स मुंबई में भी एग्जैक्टली सिमिलर, ये मतलब उतना ही डेवलप्ड है अराउंड सी, लेकिन जो बीच बेटर दिख रहा है मुझे पर्सनली, मुझे ये मुंबई के बीच से भी स्लाइटली बेटर लगा. वाओ, अच्छी बात है. उधर मैकडॉनल्ड्स बीच पे ही है. यस, हम लोग के यहाँ बीच के अराउंड अच्छे अच्छे होटल्स हैं, लेकिन मैकडॉनल्ड्स तो नहीं है. मतलब बर्गर लेके जाके बैठ कर खा सकते हैं ऐसा. इतना नज़दीक, मतलब बीच पे ही है बेसिकली. मैंने ऑलरेडी इमेजिन किया आपने आपको उधर ऐसा चटाई सब लेकर जाकर बैठे हैं, खा रहे हैं. एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. यस, मुझे कुछ कचरा नहीं दिख रहा. वेरी वेरी क्लीन. मैं इतना ये हूँ कि मैं, मेरा पूरा नजर उसी पर कि कचरा दिख रहा है. वो बोट भी अच्छा दिख रहा है ना, मतलब बोट टाइप रेस्टोरेंट. आई थिंक मैंने कोई सब्सक्राइबर से सुना था कि वो उधर रेस्टोरेंट ऐसा. मैंने सोचा कि मुझे इतना दूर से कैसे पता चला कि वो रेस्टोरेंट ही है. रॉन्ग भी हो सकता हूँ, मेरा मेमोरी इतना खराब है कि बोला होगा कि कुछ बच्चों का खेलने का जगह है और मैंने रेस्टोरेंट सोच लिया. और वो घर भी क्या शेप, मतलब जो पीछे घर थे वो सब परफेक्टली अलाइन्ड ऐसा. क्वालिटी भी अच्छा है और कलर ग्रेडिंग बहुत अच्छा किया. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू कराची स्ट्रीट व्यू. वाओ यार, उधर बैठने को कितना मजा आएगा ऐसा नहीं लग रहा क्या? मुझे रेनी सीजन की याद आ रही है अभी. मुझे ये सच्ची बोले तो बांद्रा प्लस जो मरीन ड्राइव दोनों का कॉम्बिनेशन है, बीच भी. या सब एक साथ मिल गया या यू वोंट हैव टू वॉक ऑल द वे या टैक्सी नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को. या बांद्रा और ये बहुत दूर दूर है, मतलब मुंबई में अगर आपको ये सब चीज एक्सपीरियंस करना है, बीच प्लस ये जो सी व्यू वाला रोड और ये फोर्ट टाइप जो चीज थी, ये जो ये एक्सपीरियंस करना है तो आपको तीन अलग अलग जगह जाना पड़ेगा. वेल, मरीन ड्राइव पे भी लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं. सॉरी, हम लोग इतना इंडिया और मुंबई से कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ने खुद एक्सपीरियंस सी व्यू को मुंबई में ही किया जाता था ज़्यादातर, मतलब और भी जगह किया है लेकिन वी पर्सनली लव सिटिंग इन फ्रंट ऑफ सी एंड जस्ट सिटिंग. और खाने का ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा लग रहा है उधर. बच्चे को मेरी नीस है, वो भी ऐसे ही करती है और उसको लगता है कि शी इज स्विमिंग. अब कैसे लग रहा है पीछे की बिल्डिंग? वाओ वाओ, वो ट्रेल्स दिख रहा है. वाओ, है क्या लेकिन उधर वो लाइट कौन सा है? ये वाला? हाँ, ये वाला वही शिप के. ये नहीं, ये इधर के बोट्स होंगे. फिशरमैन बोट्स तो नहीं होंगे शायद, स्पीड बोट्स. नो आईडिया, बट इट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल. वाओ, दिस इज अमेजिंग, वेल डन. और इसको क्या बोलता है पता नहीं मुझे, मैंने इसके बारे में पढ़ा था, ये टेक्निक कुछ तो, मेरा मेमोरी इतना ख़राब है ना. मैंने ये सीखा था ये कैसे करने का, कभी करने के लिए किया तो नहीं खुद, लेकिन सीख के रखा था कभी काम आ जाए. और इसने ड्रोन के साथ किया. अमेजिंग, वेरी वेरी ब्यूटीफुल. वाओ यार,
कुछ ऑटोज है क्या वो? इधर गई, बहुत ही वेल लिट ऑटोज थी वो। आई गेस एटलीस्ट कराची वालों की ईद तो बहुत ही अच्छी गई है। ईद या इतना अमेजिंग व्यू। सो या मेक श्योर, कितना बार बोला मैंने, थर्ड टाइम बोल रहा हूँ कि बट सीरियसली बिकॉज दे हैव लॉट्स ऑफ वीडियोस व्हिच आर वेरी ब्यूटीफुल। हमने पहले भी देखा हुआ कराची स्ट्रीट व्यू चैनल पे, हम लोग ने स्टार्टिंग में ही कहा कि जरूर सब्सक्राइब करना बिकॉज वी हैव सीन देयर वीडियोस बिफोर, लेकिन दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट वीडियो उनकी तरफ से जो हमने देखा। वाओ, नाइट शॉट्स कितने अमेजिंग थे, एंड वो जो वो फोर्ट टाइप, फोर्ट नहीं है लेकिन वो जो बैठे थे लोग, थिंग था वो, जिधर लोग बैठे थे उधर से जो शॉट लिया डे टाइम में, दैट वाज अमेजिंग। और पीछे वो स्काई स्क्रैपर्स, कितने बार बोलूं लेकिन ब्यूटीफुल। एक तो मॉडर्न बैकग्राउंड में था प्लस नेचर भी, या नेचर का ब्यूटी प्लस इतने सारे लोग भी, मतलब जनरली क्राउड्स आर नॉट गुड बट इधर इतना स्प्रेड हुआ था वो पूरा क्राउड, बीच बड़ा है, बड़ा एंड स्पेशियस है। लाइक इतने लोग अगर चौपाटी बीच पे आ गए तो चौपाटी बीच नहीं है वो चौपाटी है। हाँ मतलब हाँ उधर के बीच पे आ गए तो इमेजिन कर कितना कंजेस्टेड हो जाएगा। दिस इज बिग, दिस इज वेरी बिग बट अगेन वेरी ब्यूटिफुल। डेफिनेटली डेफिनेटली गो एंड चेक आउट देयर चैनल। लाइक मैंने कभी सोचा नहीं था कि कराची में जाके सी देखने का मन करेगा, क्योंकि हम लोग खुद एक सिटी के सामने रहते हैं जो सी व्यू बहुत ही ब्रिलियंट है, और मरीन ड्राइव पूरे इंडिया में फेमस है कि बहुत ही ब्यूटिफुल व्यूज है, लेकिन स्टिल मैं दूसरे कोई सिटी में जाके इतना एक्साइटेड होऊंगा कभी लगा नहीं था। बट ये वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में जब जाएंगे और कराची में जब जाएंगे तो एक बार तो एटलीस्ट उधर बैठ के आना पड़ेगा। इनफैक्ट अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है, मस्त हवा आ रहा है, साथ में कुछ गरम गरम खा सकते हैं यार, मैकडॉनल्ड्स से कुछ ले सकते हैं, एंड आई एम श्योर कि उधर के बर्गर्स और भी अलग रहेंगे क्योंकि दैट्स द थिंग अबाउट मैकडॉनल्ड्स की वो लोकल फ्लेवर्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो ठीक है, अभी खाने में नहीं जाते या चाय भी उधर मिल ही जाएगा, बहुत वैरायटी दिख रहा है उधर। सो दैट्स इट, बस जलन दे दी आप लोग ने। नहीं मतलब बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहता हूँ कि मुंबई का एक्सपीरियंस खराब है, बस ये कि मुझे लगा नहीं था कि वो एक्सपीरियंस दूसरे कहीं मुझे इतना लालच दे सकेगा। सो ग्रेट वीडियो, looking forward to going to Karachi now. Yes. So that's it for this video. We'll see you next time. Bye bye.